कि पांच सूबों के नतीजे च भाजपा तीन च जीती, दो च हारी, कांग्रेस चार च हारी, एक च जीती। जो मीडिया खेमे च चर्चा सी, इतों तक कि जिहड़ी चर्चा भाजपा के खेमे च भी सी, वह भी पूर नहीं पिया, वह भी सिरे नहीं चढ़ी। कहिंदे जी राजस्थान दे विच भाजपा जित जानी आ पर कांग्रेस बहुत नेड़े रह जूगी। कांग्रेस उम्मीद कर रही सी कि इन्हां पंज सूबिआं चों दो तां साडे पक्के ने, तीआ भी असीं मार लैणा, ते रह गई इक च। अज संसद दे विच बकायदा तौर ते नरेंद्र मोदी की आमद ते भाजपाई जां भाजपाई पक्की संसद मैंबरां ने जो हूटिंग की, जो नारेबाजी की, जो 224 का गुणगान गाया, वो मर्यादा अनुसार सही नहीं सी। संसद का सरदरुत इजलास शुरू हुंदा है उस दिन कि कोई तय रणनीति तहत चोणां दे नतीजियां तो ऐन बाद रख्या गया कि यह तय सी जां सबबी मेल हो गया कि तीन नूं नतीजे आ गए, चार नूं सैशन आ गया। की भाजपा जानदी सी कि असी तीन नूं जितना है ते चार नूं फिर संसद च भी खुशी मना लेनी है, इस सैशन दे राहीं भी सुनेहा पहुंचाउणा है। पता इसलिए सी कहिंदे कि सानूं साडे वर्कर ते भरोसा सी, सानूं अपने कम्मां ते भरोसा सी, सानूं नरेंद्र मोदी दे चेहरे ते भरोसा सी, उह तां इह कहिंदे ने। सो इस चोणां दे विच भाजपा की जित, कांग्रेस की हार, इस चोणां दे विच नोटा की जित ते आप की हार। मध्य प्रदेश दे विच भाजपा दीआं 54 सीटां वधदीआं ते कांग्रेस दीआं 48 घटदीआं, मतलब भाजपा ने कांग्रेस दे खेमे वालीआं तां सीटां जित्तीआं जित्तीआं, जिहड़ीआं अदर सी उहदीआं भी जित लईआं। गल करां मैं मध्य प्रदेश दी, 70 उम्मीदवार मैदान च उतारे। गल करां मैं छत्तीसगढ़ दी, 57 उम्मीदवार मैदान च उतारे आम आदमी पार्टी ने। राजस्थान दे विच 88 उम्मीदवार उतारे। जनाब लोग पुछदे ने कि आम आदमी पार्टी दे उम्मीदवारां नूं जिताईए क्यों, आपां कांग्रेस दे हुण मौजूदा स्थिति की होगी मैं उस दे तीजे पड़ा चाहूँगा। तुसीं पूरी खबर नूं गौर नाल सुणियो कि शेर तो भिज्जी बिल्ली किवें बनना कांग्रेस ने, पर उह भाजपा हार वाले अंकड़े लुको रही, हार वालियां कुछ तस्वीरां लुको रही है, हार वाले कुछ चेहरे लुको रही है, जित जित हुंदी है जनाब। 31 मौजूदा कैबिनेट मंत्री सी मध्य प्रदेश दे विच शिवराज चौहान दी कैबिनेट दे विच, उन्हां चों 31 चों 12 मंत्री हारे ने उत्थे, एक केंद्रीय मंत्री तक हार गया उत्थे। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री फरगन सिंह कुलस्ते हार गए जनाब। द टीवी NRI के सारे दर्शकों लई मैं एक बार फिर लैके हाजिर हाँ जी, प्रोग्राम जाणो असल सच। 3 सूबों के नतीजे भाजपा के हक च आए, 1 सूबे के नतीजे कांग्रेस के हक विच आए, तो 1 सूबा नवी पार्टी ने जित लिया। जां इंज कहीए कि 5 सूबों के नतीजे च भाजपा 3 च जीती, 2 च हारी, कांग्रेस 4 च हारी, 1 च जीती। जित जित है। सो इसलिए भाजपा अंकड़ियां दे हवाले नाल, MLA दी गिणती मिणती दे हवाले नाल जित दे रास्ते सवार है, ते कांग्रेस 605 च है कि जो एग्जिट पोल दसदे सी, जो पार्टी दे लीडर दसदे सी, जो आवाम च चर्चा सी, जो मीडिया खेमे च चर्चा सी, इतों तक कि जिहड़ी चर्चा भाजपा के खेमे च भी सी, वह भी पूर नहीं पिया, वह भी सिरे नहीं चढ़ी। कहिंदे जी राजस्थान दे विच भाजपा जित जानी आ पर कांग्रेस बहुत नेड़े रह जूगी। मध्य प्रदेश दे विच कहिंदे बड़ा फसमी टक्कर आ पर कांग्रेस उपर रह सकती है।
ਇੱਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ, ਹੈਂਜੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪਤਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੂਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਤੀਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ 'ਚ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਪੱਖੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ 224 ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਇਆ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕਮਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ? ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਕੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਐਨ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਤੈਅ ਸੀ ਜਾਂ ਸਬੱਬੀ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ, 4 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ? ਜੀ ਹਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ EVM ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੈਂ ED ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੈਂ ਅਵਾਨੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੋਂਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਜਿੱਤਾ ਵਹੀ ਸਿਕੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜਨਾਬ। ਸੋ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ, ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਹਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛੂਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਛੜ ਗਈ ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਛੜ ਗਈ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਜੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ BRS ਹਾਰ ਗਈ, ਭਾਜਪਾ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਸਮਝੋ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 54 ਸੀਟਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 48 ਘੱਟਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ 48 ਸੀਟਾਂ ਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 6 ਸੀਟਾਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ ਜਾਓ, ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 42 ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਲੈ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ, 42 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ 115 ਲੈ ਗਈ ਇਸ ਵਾਰ। ਅਤੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 30 ਸੀਟਾਂ ਗਵਾ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 30 ਲੈ ਗਈ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਗਈ, ਮਤਲਬ 12 ਸੀਟਾਂ, ਤਾਂ 42 ਵਧੀਆਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ 12 ਕੱਟੀਆਂ, 15 ਆਈਆਂ ਇਸ ਵਾਰ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 39 ਸੀਟਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 33 ਘਟੀਆਂ, 6 ਅਦਰਸ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਸੋ 33 ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀਆਂ, 6 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 54 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 39 ਵਧੀਆਂ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 64 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, 45 ਸੀਟਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਅਤੇ BRS ਦੀਆਂ 49 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟਦੀਆਂ। 49 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟੀਆਂ 'ਚੋਂ 45 ਇੱਧਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਤਾਂ 8 ਹੋ ਗਈ ਨਾ 1 ਤੋਂ, 7 ਸੀਟਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਾਰੀ ਵੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਆਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਲਹਿਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲਹਿਰ,
छत्तीसगढ़ च भी लहर, तेलंगाना बेशक कांग्रेस जीती पर असी एक तो अठ होए, सत सीटा वधिया। वो भाजपा हार वाले अंकड़े लुको रही है, हार वाली कुछ तस्वीर लुको रही है, हार वाले कुछ चेहरे लुको रही है। जित जित होंगी है जनाब, फिर तुहाडा चाहे बड़ा दिग्गज हार जाए, बड़ी तोप हार जाए, बड़ा लीडर हार जाए, फिर अणगौलिया हो जाता जो तुम बहुमत लै जाने। पर इतने गौर करना बनता, गौर करना इसलिए बनता, मेरे को अंकड़े पे ने जी। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कत्तियां चो 12 मंत्री हार गए, तो इनू छोटिया करके देखने की लोड़। इहदा मतलब लोग उन्हां मंत्रियां दे कम्मां तों खुश नहीं सी, जे दूजे भी कुछ जिते तां उहदे विच भी कोई झोल मोल है। 31 मौजूदा कैबिनेट मंत्री सी मध्य प्रदेश दे विच शिवराज चौहान दी कैबिनेट दे विच, उहनां चों 31 चों 12 मंत्री हारे ने उत्थे। एक केंद्रीय मंत्री तक हार गया उत्थे, जी हाँ, केंद्रीय मंत्री फरगन सिंह गुलस्ते हार गए जनाब। इस तरह 6 मैंबर पार्लीमेंट, मौजूदा 6 मैंबर पार्लीमेंट भाजपा ने उतारे, 2 हार गए उन्होंने। हुण जिहड़े 4 जितते ने उन्होंने भी समस्या कि उन्होंने चंद दिनां च, अगले 10-15 दिनां च स्पष्ट करना कि भाई कि सीट पर रहना है, कित्थे रहना है, कि MP बने रहना कि MLA बनना। चलो ये तो अगे राजस्थान च आ जाओ। राजस्थान दे विच जेकर तुसीं देखना होवे तां अशोक गहलोत की टीम दे भी कांग्रेस के भी 23 चो 17 मंत्री हार गए। मतलब अशोक गहलोत तो कांग्रेस तो राजस्थान के लोग खुश नहीं सी। 25 चो 17 मंत्री, छोटी गल नहीं है, मतलब 8 क मंत्री वो जिते अगलिया के। 25 मंत्रियों चो 17 मंत्रियों का हार जाना, तो इतों अंदाजा ला लो कि कांग्रेस की स्थिति की सी उत्थे। चलो ये तो अगे आ जाओ, भाजपा की भी गल कर लें। राजस्थान च भी भाजपा ने राजस्थान च 7 मैंबर पार्लीमेंट उतारे, 3 हार गए जी, 4 जितते ने, 3 हारना। मौजूदा मैंबर पार्लीमेंट, मौजूदा जितते हुए MP का मतलब विधानसभा चोण हार जाना, ये मायने तो है जनाब कुछ। अगे तेलंगाना च आ जाओ। चलो तेलंगाना च अगले कहते हैं कि कांग्रेस सी जी, कांग्रेस जित गई, कोई गल नहीं। वैसे तो तेलंगाना जेकर मैं गल करा, 3 मैंबर पार्लीमेंट उतारे भाजपा ने, तो 3 दे 3 हार गए। सो इस स्थिति है जी भाजपा। सो ये पूरा पहलू स्पष्ट करता कि भाई बेशक असी ये मानी जा रहे हैं कि भाजपा जीती कांग्रेस हारी, पर एक सच्चाई ये भी आ कि भाई भाजपा के भी बड़े दिग्गज या बड़े नाम हारे। चलो थोड़ा जहा हूँ गल आम आदमी पार्टी की भी कर लिए। आम आदमी पार्टी पंजाब 92 MLA, 92 MLA वाली पार्टी, दिल्ली च भी राज, 2 मुख्यमंत्री, पंजाब की सरकार, दिल्ली की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब की कैबिनेट, दिल्ली की कैबिनेट, पंजाब के मंत्री, दिल्ली के मंत्री, पंजाब के MLA, दिल्ली के MLA, पंजाब का पैसा, पंजाब का चौपर, पंजाब का जहाज झोंक दिता इन्हां 3 सूबिआं दीआं चोणां लई, मध्य प्रदेश, राजस्थान ते छत्तीसगढ़। ते लै के की परते जनाब, नोटा तो भी हार के मुड़े। जी हाँ, आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, अखिलेश की पार्टी, होर स्थानक पार्टियां की गल छड्डो, नोटा तो भी हार के मुड़े। कहिंदे जी हर उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई। चर्चा अंकड़े बोलते हैं जरा। मध्य प्रदेश दे विच नोटा लगभग 1% वोट लै जांदा, नोटा नूं 1% के करीब वोट पैंदी है, 0.98%, ते आम आदमी पार्टी नूं 0.53%, 0.53, लगभग अद्धा, ते उधर लगभग 1%, 0.98, नोटा तो भी थल्ले असीं जी आम आदमी पार्टी वाले हवाले नाल। आ जाओ जी गां छत्तीसगढ़ च आ जाने। छत्तीसगढ़ च नोटा नूं वोट पई 1.26%, ते आम आदमी पार्टी नूं
0.93%, मतलब नोटा 1% तो वध 1.26 ते आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ च 1% तो भी थले 0.93। अगे आ जाओ जी राजस्थान। राजस्थान दे विच नोटा नू वोट पई लगभग 1%, 0.96%, ते आम आदमी पार्टी नू 0.38%। राजस्थान ओ सूबा है जिहड़ा पंजाब दे नाल लगदा, पंजाब दा सरहदी सूबा, पंजाब दी तसीर नू समझदा, पंजाबी उत्थे खासी गिणती च ने, आपस दे विच सांझ रिश्तेदारियां आउणा जाणा कारोबारियां काफ़ी सांझा ने, ते उत्थे खबर चंगी तरह पहुँचदी है पंजाब दी आम आदमी पार्टी दी कारगुजारी दी की पहलू रहा। ये तो भी अहम पहलू, आम आदमी पार्टी कुल इन्हां तिने सूबियां च 215 उम्मीदवार मैदान च उतारदी है ते सारयां दी जमानत जब्त। गल करां मैं मध्य प्रदेश की, 70 उम्मीदवार मैदान च उतारे। गल करां मैं छत्तीसगढ़ की, 57 उम्मीदवार मैदान च उतारे आम आदमी पार्टी ने। राजस्थान के 88 उम्मीदवार उतारे। जनाब लोग पुछते हैं कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जिताइए क्यों, जेकर जित के भी ये सरकार नहीं बना सकते फिर क्यों जिताइए, जेकर लड़ना असी तो पूरे पैरी क्यों नहीं लड़े, सारिया सीटा ते क्यों नहीं लड़े। मध्य प्रदेश के 230 सीटा ने, बहुमत लई 116 सीटा चाहीदियां, तो आम आदमी पार्टी 17 से लड़ रही है। छत्तीसगढ़ के 90 सीटा ने, बहुमत लई 46 सीटा चाहीदियां, आम आदमी पार्टी 57 से लड़ रही है। राजस्थान के 200 सीटा ने, 199 से चोण होंगी आ, बहुमत लई 100 चाहीदियां सी 199 चो, आम आदमी पार्टी 88 से लड़ती आ। ते तिने सूबिया दे विच मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ते राजस्थान दे विच नोटा तो भी हार जांदी आ ते जमानत जब्त हो जांदी आ। ते फिर सवाल तो आऊगा जनाब, चाहे वह पंजाबियों के हवाले नाल ते पंजाब दे विच फिर हारियां हुई धिरां पंजाबियों वालों नकारियां हुई धिरां भी हुण सवाल कर दियां ने। सुखबीर बादल कह रहे हैं 500 करोड़ दसो जी किवें फूके, चलो इस पहलू ते भी कर देंगे। बिल्कुल जी, हुण आपां उस सवाल ते आईए कि पंजाब दा पैसा, पंजाब दे खजाने दा पैसा कि इश्तहारां लई खर्चिया गया, कि बोर्डां लई खर्चिया गया, कि जहाज़ च पंजाब दे खजाने चों तेल पिया, क्योंकि पंजाब दीआं योजनावां चाहे वह धार्मिक यात्रा जी, चाहे वह मुफ्त बिजली जी, चाहे जी नशियां वाली रैली जी, चाहे डिबेट जी, चाहे घर घर आटा जी, हर योजना का इश्तहार उधरलिया टीवी चैनलों च, उधरलिया अखबारों च, उधरले सोशल मीडिया च बकायदा जाता। सो ये इश्तहार सारे पंजाब के खजाने चो ही जाते हैं, स्पष्ट ने। सब तो वध चर्चा कि पंजाब सरकार समुची इन चोणों झोंकी रखी, मुख्यमंत्री साहब तो लगातार रोज़ रोड शो दिखते, रोज़ रैलियां दिखते, केजरीवाल साहब इसे काम से लगे सी, तो कहते चौपर पंजाब का उड़ता सी, जे नहीं उड़ता सी, पंजाब के खजाने चो तेल नहीं सी, फिर सरकार जवाब देवे। एक पार्टी का सुप्रीमो उसनू पंजाब नकारदा, हामी भरदा, उहदे नाल सहमत है असहमत है वखरियां गल्लां, अगला भी लीडर आ, अगला भी पंजाब का उप मुख्यमंत्री रहा, वह कहता 500 करोड़ रुपया उड़ाता जी पंजाब का, जे नहीं उड़ाया फिर जवाब दे दिओ। हाँ ये वखरी गल आ कि सरकार किसी होर तरह जवाब दिंदी आ, कदे घोड़िया की गल आ, कदे कुछ आ, जवाब वह भी देने जिन्होंने सवाल आते हैं घोड़िया वाले, तो पेन ड्राइव वाली गल कित्थे गई, वह भी अहम है। पर आप गल चोणती कर रहे हैं, एक पासे खड़ा सवाल कि आम आदमी पार्टी ने सारा जोर ला के नोटा तो भी हारी, उसनू मंथन करन दी लोड़ा, उम्मीदवार पूरे किते भी खड़े नहीं कर पाई, उन्हू मंथन करन दी लोड़ा, पिछली बार नालों मध्य प्रदेश च वोटां घट भी गई, हुण तां दो दो सूबियां दी सरकार झोंकी सी, दो दो मुख्यमंत्री झोंके सी, दो थावां दे उत्ते वोट वधी, एक थां ते वोट घटी, पर कुल मिला के 10,000 वोट वधी आ तिना सूबियां च, तिना सूबियां च। मध्य प्रदेश च पिछली बार अज तो 5 साल पहला आम आदमी पार्टी नू 253,106 वोटां पईआं, ते इस बार 2,28,901, मतलब पिछली बार नालों भी 23-24,000 वोट घट गई।
मध्य प्रदेश राजस्थान च पिछली बार 135,816 वोट पई सी आम आदमी पार्टी नू, इस बार 148,709 वोटां पईआं, मतलब पिछली बार नालों थोड़ी जी वोट वध गई। तो इस तरह छत्तीसगढ़ दे विच पिछली बार 123,526 वोटां पईआं सी आम आदमी पार्टी नू, तो इस बार 144,580 वोटां पईआं। तो कुल मिला के पिछली बार 512,000, इस बार 522,000, तो 12 से 22 के हिसाब न 10,000 बनता। तो जेकर मैं गल करा 512,448 तो इस बार 522,191 तो 9,743 वोटा वधिया। मध्य प्रदेश 24,000 घटिया, राजस्थान से 36,000 वधिया, तो एवरेज तिना सूबे 9,743 वोटा ली। जो 500 करोड़ फूकिया जनाब फिर तो कोई फायदा नहीं। सो इसलिए एक सवाल यह खड़ा कि आम आदमी पार्टी नू अपने आप ते दोबारा मंथन करन दी लोड़ा। मंथन क्यों करना? मंथन कांग्रेस नू भी करना पैना ते मंथन आम आदमी पार्टी नू करना पैना। कांग्रेस इंडिया गठजोड़ दे विच्चों बाहर आके अपने दम ते विधानसभा चोणा लड़के ये दिखाउणा चाहुंदी सी कि जदों चोण नतीजियां तों बाद असीं बैठांगे बैठक दे अंदर इंडिया गठजोड़ च बैठांगे तो असी शेर बन के बैठांगे कि 5 सूबे 'चों 3 सूबे जित के पटे। उन्होंने तो ए लगता खबर राजस्थान भी दाच निकल जाए तो 4 हो जाने, नहीं 3 तो पक्के ने कि जी असी मध्य प्रदेश भी जित लैना, असी छत्तीसगढ़ से तेलंगाना भी जित लैना, तो जे 10 लग गया राजस्थान का फिर 4 हो जाने, नहीं 3 तो पक्के ने कि 5 'चों 3 जित के भाजपा तो फिर 1 'च आऊगी कहिंदे कल्ले राजस्थान 'च, बाकी थां ते तां असी होना। 1 थां ते नवीं पार्टी की आस है तो भाजपा उत्थे भी नहीं आनी मिजोरम 'च। लो जी साडी तां गल बन गई। सो 3-1 करन नूं फिरदी सी भाजपा नाल, जां 5 सूबिआं दे हवाले नाल 3-2 करन नूं फिरदी सी कांग्रेस नूं लगदा सी कि जदों इंडिया गठजोड़ 'च बैठांगे तां असीं कहांगे भाई हुण MP दीआं चोणां लई, मैंबर पार्लीमेंट दीआं चोणां लई, आम चोणां 2024 लई साडे हिसाब नाल वोटां दी वंड करो, साडे अनुसार चलो। सो जिहड़ी कांग्रेस इंडिया गठजोड़ दे विच शेर बन के बैठना लोचदी सी हुण भिज्जी बिल्ली बन के बैठूगी। बेशक सवाल तो यही भी आता कि जे कांग्रेस ने कहते धर्म नहीं निभाया गठजोड़ का तो कहते जी अखिलेश होने भी यही कुछ करते रहे, आम आदमी पार्टी भी यही कुछ करती रही, हुण जो मर्जी कही जाओ जनाब तुसी हार गए। अगले चाहे EVM के सहारे जितते, अगले चाहे ED के सहारे जितते, अगले चाहे चोण कमीशन के सहारे जितते, अगले चाहे अपन योजनावां के सहारे जितते कि पैसा पावांगे जी आ गिफ्ट देवांगे जी, हुण मोदी दीआं गरंटियां केजरीवाल दीआं गरंटियां नकली जी मोदी दीआं असली जी, चाहे अगले अपने विकास कार्यां दे दावेआं दे हवाले जितते, चाहे अगले धर्म की राजनीति दे हवाले जितते, अगले कहिंदे सी जितते। ते इधर हुण इंडिया गठजोड़ की इंडिया गठजोड़ रहेगा कि सारियां उहदियां भाईवाल पार्टियां उहदा हिस्सा बणियां रहणगियां? चर्चावां कल रात ही शुरू हो गई कि कुछ दल हुण इंडिया गठजोड़ चो बाहर आ के मुड़ के भाजपा की घनेड़ी छड़ सकते हैं। उन्होंने ए लगता कि 2024 तो मोदी का जादू चलूगा जी, वो इन्ह चोणों में जेकर देखते हो फिर ये भी सच नहीं गा। यही चोणा अज तो 5 साल पहला भी हुई सी, फिर तो तद भी ये पिछलियां लोग सभा चोणों का सैमीफाइनल से, फिर उस समय नतीजे यह जे क्यों नहीं आए? उस समय तो एक बार तो मध्य प्रदेश भी कांग्रेस जीती सी, उस समय तो एक बार राजस्थान च भी कांग्रेस की सरकार रही आ, तो छत्तीसगढ़ च भी। सो इसलिए इस हवाले नाल तो अहम पहलू आ, पर हुण कहिंदे नहीं जी ये सैमीफाइनल आ, जे हुण भाजपा की लहर बन गई तो यह 24 तक बरकरार रहेगी। एक पासे इंडिया गठजोड़ नूं लैके सवाल ने, दूसरे पासे अहम सवाल खड़ा पंजाब नूं लैके कि पंजाब च नवें गठजोड़ सामने आउणगे। बेशक सुनील जाखड़ोरी कहिंदे जी बल्ले बल्ले आ जी साडी फतेह जंग बाजवा नाल ने कि पंजाब BJP बागो बाग आ। वैसे सुनील जाखड़ ते फतेह जंग बाजवा नाले जे पंजाब दी BJP आ फिर तां ठीक है जी, बागो बाग ने, बाकी होर कि BJP आ पंजाब च? जिहड़े नवें आए सी कहीं चले गए, जिहड़े पुराने ने इन्हां दे करके अजे सरगर्म नहीं हो रहे। तो पंजाब बाकी देश नालों वखरा, जदों पूरे देश के लोग आम आदमी पार्टी नूं पछाणदे भी नहीं सी तद भी पंजाब ने 4 जिता के भेज दिते सी MP। जदों आम आदमी पार्टी खुद सोच रही सी
कि असी 100 सीटा जित लेनिया तो लोगों ने विरोधी धिर च बिठाते पंजाब वाले जो इस बार आम आदमी पार्टी लग रही थी कि सरकार तो आ जानी आ बस 60 क सीटा आ जा पंजाब ने 92 देती। सो पंजाब अपने अंदाज नाल सोचता पंजाब अपने ढंग नाल चलता तो बीजेपी ये ना समझे कि पंजाब तुहाडे हिसाब नाल टल जाना पर बीजेपी के हिसाब नाल कौन टल नहीं काला है। जी हाँ पंजाब च कहिंदे अकाली दल फिर सोचण लग्या कि की भाजपा नाल जाए बिना नहीं सरना तो कहिंदे भाजपा का नखरा हुण सत्तवें आसमान ते है कि ताजिया ताजिया 3 सूबिआं च चोणां जित्तियां ने और बड़े मार्जन नाल जित्तियां ने और हैरानीजनक जित्तियां ने उन्हां दी अपनी उम्मीद तो भी वध के जित्तियां ने फिर असीं उहनूं नखरा दिखावांगे। हुण अकाली दल कहिंदे गठजोड़ लई फिर काला ते पर भाजपा जे नखरा दिखाउंदी आ कहिंदे चाहुंदी उह वी आ। एक तो यह गठजोड़ नवे रूप च तुहानूं देखण नूं मिल सकदा। दूजे गठजोड़ की चर्चा कांग्रेस बनाम आप दी कि यह गठजोड़ होवेगा कि कांग्रेस की हुण मजबूरी होवेगी कि हरियाणा जिहड़े हुड्डे लग रहे थे कि अपनी तो गल बन गई हरियाणे च लोगों का खट्टर तो वो भंग उन्हें दोबारा सोचना पैना कि इंडिया गठजोड़ के असर के तहत ही लोग सभा चोण भी लड़नी पैनी तो अगली बार फिर विधानसभा चोणों बारे भी सोचना पैना। वैसे केजरीवाल दावा करते कि पंजाब दियां 13 दियां 13 साडियां भगवंत मान जी कहते 13 छड्डो 14 चंडीगढ़ भी आ रही है। कांग्रेस के लीडर दिल्ली जाके कही जाते हैं हाईकमान जे आप नाल गए तो कोई फायदा नहीं जी नुकसान होजू असी इदा ही 13 चो 10 सीटा जित रहे हैं। सो दूए पासे हुण आ नतीजिया तो बाद कांग्रेस के अंदर भी आप दे अंदर भी एक खौफ है तो जेडे लीडर मैंबर पार्लीमेंट लड़ना चाहते हैं चाहे कांग्रेस वालों चाहे आप वालों एक पासे तो वह चाहते हैं कि गठजोड़ हो जाए दूए पासे उन्हें लगता जो गठजोड़ होगा तो 26 नहीं 13 उम्मीदवार होणगे तो फिर 13 की तो छुट्टी होनी है किहड़े कांग्रेस की होनी है किहड़े आप की होनी है। पर की यह गठजोड़ होएगा ज नहीं ये आने वाला समा जे दसेगा पर पंजाब के अंदर तुहानू गठजोड़ों की नवी राजनीति देखने को मिल सकती है। ये सियासी मजबूरियां ने और कैसिया मजबूरियां ने कि जिहड़ी आम आदमी पार्टी कांग्रेस नू केंद्र की सत्ता चो हटाउण दे लई एक लगे धरने चो जन्मदी आ और दिल्ली च कांग्रेस नू हरा के सुपड़ा साफ करके सत्ता चाहुंदी आ और पहली बार केजरीवाल उसे कांग्रेस के सहारे मुख्यमंत्री बनते हैं बाद चो फिर चाहे उन्होंने लांभे करते हैं तो अज फिर पंजाब उसे कांग्रेस नाल गठजोड़ दी चर्चा वा सियाउण दा समा दसेगा। पर सियासत है जी सियासत की बसात दे विच की हो जाए इश्क ते सियासत कहिंदे सब जायज है इसलिए इस पहलू ते असीं खबरां लैके हाजिर हुंदे आ तुसीं वेखदे रहो द TVNRI। बहुत शुक्रिया।